चुनाव का माहौल है एंड नाउ वी आर हियरिंग, एक पीछे एक कांग्रेस की रैली हो रही है और कांग्रेस की रैली चलती रही, सामने से बीजेपी का भी काफिला आ रहा है। यू कैन सी लोकल इश्यूज मोर एट प्ले हियर। जय माता दी ऑन द का, इवन द कांग्रेस बिगैन विद द जय माता दी कैंपेन। लेट्स ट्राई एंड टॉक टू द पीपल एंड सी क्या है। किसके लिए वोट कर रहे हैं? पूर्ण बहुमत से बीजेपी, मंत्री धर्मपाल चौधरी, रंजीत चौधरी जीतेगा। मनावर में आप मनावर में मंजीत चौधरी की तीसरी बार जोरदार जीत के लिए आज बीजेपी सुधीर चौधरी। लोकल इश्यूज, लोकल कैंपेन्स, किसके लिए वोट हो रही है? मोदी जी के लिए, बीजेपी के लिए या बीजेपी के लिए? बीजेपी के लिए। मोदी जी आए यहाँ पे? नहीं, मोदी जी नहीं आए। आने की जरूरत है? हाँ, आने के उनके बिना भी जीत जाओगे? मोदी जी को आना है कि मोदी जी के बिना जीत सकते हो? हाँ जी, बिना भी जीत जाएंगे। मंजीत चौधरी जीत रहे हैं बहुत भारी मतों से। मोदी जी नहीं आएगा तो भी मुझे देंगे देंगे। मोदी जी नहीं आएंगे, नरेंद्र मोदी दैट रैली फाइट्स। लेट मी सी सम मोर इश्यूज। आई थिंक द कैंडिडेट इज हियर। ये बीजेपी का काफिला है, आप बीजेपी को वोट देंगे कांग्रेस को? वोट कौन है? वोट नहीं देंगे, हम बताएंगे, हम बताएंगे, हम बताएंगे। हाँ, एज यू कैन सी इट्स इलेक्शन टाइम, सो आई गेस एवरीबडी गोज। संख्या में बहुत मेहनत करके और विजय होने पूरी पूरे स्टेट में भाजपा सरकार आ रही है, 140 सीटें आ रही है भाजपा सरकार, पूरी ताकत लगा रही है। 30,000 वोटों से भाई मंजीत चौधरी जीत रहा है आज। आपको हम कह रहे हैं पूरी पूरा भाई का समर्थन है, सेवा की है सेवा करेगा, भाई का एक ही निर्णय, सेवा की है सेवा करेगा। चौधरी मंजीत 20,000 वोटों से जीतेगा। मंजीत चौधरी जी बड़ी भारी मतों से यहाँ से विजयी होंगे। कांग्रेस की सरकार ने या भ्रष्टाचार, पेपर लीक मामले, भाईचारे और शांति के लिए हम भाजपा को, भाई बड़े भाई मंजीत धर्मपाल जी को वोट करेंगे और भारी मतों से विजयी बनाएंगे। जनता जी तो आए नहीं, उसकी जरूरत नहीं है मोदी जी की, मोदी जी को आना चाहिए। मोदी जी को तो बहुत जरूरी है, इस देश को बचाने के लिए मोदी जैसे नेतृत्व तो जरूर चाहिए देश को, इसलिए मोदी जी दोगुनी ताकत के साथ वापस देश में आएंगे और उसके साथ साथ राजस्थान में भी प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी और मुंडावर से बड़े भाई मंजीत धर्मपाल चौधरी भारी मतों से विजय होंगे। ठीक है, सो हियर वी आर, यहाँ बीजेपी का भी कैंपेन हो रहा है, उधर कांग्रेस की भी रैली हो रही है, सो टोटल चुनावी माहौल हो रहा है। इश्यूज हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि राजस्थान में पेपर लीक हुआ था, भ्रष्टाचार हुआ है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है उसको लेके काफी लोग उत्साहित हैं और उसके लिए वो कांग्रेस को वोट देंगे। अब वोट कहाँ भी पड़े मगर इट इज चुनावी मौसम। इनफैक्ट मैंने पूछा कि मोदी जी आए नहीं आए तो उनका क्या असर पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि चाहे मोदी जी का आना जरूरी है लेकिन अगर वो नहीं भी आएंगे फिर भी हम बीजेपी को ही वोट देंगे। दिस इज ऑफकोर्स द बीजेपी कैंप। उस तरफ कांग्रेस कैंप पे वी कुड हियर द कांग्रेस पीपल सेइंग दैट इंटरेस्टिंगली दे टुक द नेम ऑफ
राहुल गांधी फर्स्ट, सोनिया गांधी सेकंड, मल्लिकार्जुन खड़गे थर्ड, नो गहलोत, नॉट इवन पायलट. इंटरेस्टिंग टाइम्स, इंटरेस्टिंग इलेक्शंस, लॉट्स ऑफ नुएंसेस.